नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 45 इयर्स है और इस पाम को देखें तो यहाँ पर चौड़ाई है और यहाँ पर चौड़ाई कम है। या तो ऐसे लोग जीवन भर जॉब करते या पार्टनरशिप बिजनेस करते, इस तरफ इनका ध्यान रहता है और ये कंप्लीट रेक्टेंगल पाम है। तो व्यक्ति बैठे बैठे या बोलकर कार्य करता है, प्लस साथ में चौड़ाई भी है। तो जब चौड़ाई होती है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। अंगूठा मध्यम टाइप का है तो स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं होगी, मध्यम टाइप की पर्सनालिटी होगी। और फर्स्ट फेलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद रखने वाले होंगे और पूरा करते होंगे। प्लस सेकेंड फेलाइन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तो मध्यम टाइप से लॉजिक के साथ बात करते होंगे। सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव होता है, प्लस उंगलियां छोटी है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों के। छोटी उंगली फर्स्ट फेलाइन तक पहुँच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। इनके बुध पर्वत को देखें तो यहाँ पर खड़ी लाइनें दिख रही है, 1, 2, 3, ये लाइनें अगर आपको दिखे तो व्यक्ति बुढ़ापे तक अच्छा खासा संपन्न बनता है। पहली चीज, व्यक्ति सुंदर होता है और जिनका बुध पर्वत उभार रहता है उसमें बिजनेस के भी गुण रहते, प्लस उसकी वाणी बहुत अच्छी होती है और स्पष्ट वक्ता होते ये लोग। और अगर कॉमर्स के भी स्टूडेंट हो या आर्ट्स के भी स्टूडेंट हो तो भी बेसिक टेक्नोलॉजी और साइंस का नॉलेज व्यक्ति के जीवन में रहता ही है। अब इनके सूर्य पर्वत पर देखें तो एक बहुत बड़ा क्रॉस बना हुआ है। ये जब क्रॉस होता है तो 3 तरह के माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में होते, उसमें से कोई एक, या तो पिता का साया बहुत छोटी उम्र में चला जाता है, या पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता से गंभीर मतभेद होते। ये 3 तरह के प्रॉब्लम व्यक्ति को जीवन में आते और इस क्रॉस के कारण बार बार जीवन में रुकावटें आती है। बार बार जरा सा आगे बढ़े कि कोई ना कोई पैर खींचने वाला मिलेगा या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वापस पीछे आना पड़ता है। ये इस तरह की स्थिति इनके जीवन में रहती है जब क्रॉस होता है यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इनके जीवन में। मैं इसका उपाय दूंगा। एक शाखा यहाँ से निकल कर ये गुरु पर्वत की ओर जा रही है तो ये बेस्ट चीज़ है, ये व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। इस तरह की रेखा वाले कहीं ना कहीं सक्सेसफुल व्यक्ति जीवन में बनते हैं और ये भी बनेंगे, इसमें दो राय नहीं है। इनका वर्तमान समय और आगे वाला जो समय था वो ऊपर नीचे वाला था। इन्होंने मुझे स्कैन की कॉपी भेजी है, उस पर से मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली है, वो मैं जीवन रेखा पर बताऊँगा। शनि पर्वत देखे तो एकदम फ्लैट है रोड की तरह, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। और थोड़ा सा भाग ये उभार है तो हो ना हो सुबह उठने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, पर उसके बाद एक्टिव रहते होंगे। और इनकी फेट लाइन को देखें तो ये सीधी जा रही है गुरु पर्वत की ओर। जब इस तरह की रेखा गुरु पर्वत की ओर जाती है तो व्यक्ति के जीवन में या तो उच्च स्तर पर पहुँचना लिखा रहता है, यानी किसी कंपनी के फर्स्ट लेयर जो होता है वहाँ तक पहुँचते, या व्यक्ति पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ व्यक्ति के जीवन में रहता है इस तरह की रेखा के कारण। तो ये इंडिकेशन दे रही है ये कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर जीवन में पहुँचेंगे। दूसरी ये लाइन भी संकेत दे रही है, दोनों लाइनें इनके पॉजिटिव संकेत दे रही है। प्लस यहाँ पर देखें तो एक लाइन हल्की सी भी बनी है तो ये भी कहीं ना कहीं विदेश से धन लाभ की रेखा होती है और जीवन में किसी न किसी मोड़ पर व्यक्ति को प्राप्त होती है। और एक लाइन और चल रही है, ये मल्टीपल इनकम की ओर इशारा कर रही है। तो जीवन में अब यहाँ पर एज निकालने में थोड़ी सी तकलीफ आती है इनकी जो हृदय रेखा है, फिर भी मेरे अंदाजे से 50 के आसपास कोई ना कोई मल्टीपल इनकम की लाइन भी इनके जीवन में तैयार होगी। और ऐसे तो ये मल्टीपल इनकम वाले ही इंसान हैं। अब इनके गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत यहाँ से दबा हुआ है,
यानी छोटा है। तो एक तो परिवार से दूर रहने की नौबत आती है व्यक्ति के जीवन में, पहली चीज। दूसरी, यहाँ से थोड़ा सा भी उभार रहा तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती ही है, यानी मतभेद रहते ही है। तो ये उस तरफ भी इशारा जा रहा है गुरु पर्वत का। एक कंटिन्यू रेखा चल रही है जो कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा करती है, और दूसरी मल्टीपल इनकम की रेखाएं बनी हुई है। तो जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स भी व्यक्ति के जीवन में तैयार होते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है तो व्यक्ति में शरीर की एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, ये लोग चाहे अच्छे स्कूल में भी पढ़े हो तो भी इनको अपशब्दों की आदत होती है बचपन में और जवानी में। ये लोग अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और ये जीवन भर चलता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कम होते जाता है। पर शरीर की एनर्जी अच्छी खासी इनमें रहती है। भारी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। और इस पर देखिए, 1, 2, 3, 4 ये लाइनें व्यक्ति को कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाती है। और भारी मंगल बहुत अच्छा उभार है और अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, और साथ में इनके मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है। तो इनको जो भी, जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो प्रॉपर्टी में करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा इनको। प्लस यहाँ पर एक जिक्र करना रह गया, क्रॉस के बीच में एक ट्रायंगल भी बना है। ये जब ट्रायंगल बनता है सूर्य पर्वत पर तो ये लगभग मन की सारी इच्छाएं पूरी करता है, पहली चीज। और आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। अब वापस मंगल की ओर आते, ये लोग जब किसी से मिलते तो एनर्जी के साथ मिलते, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब इनके हाथ में यहाँ पर 4 रेखाएं, ये जब भी शाइन करती है तो पर्सनल लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर ये शाइन नहीं करेगी तो किसी और मामले में ऐसे ही कोर्ट और पुलिस स्टेशन के दर्शन करने होते हैं, पर जब शाइन करती है उसमें से कोई भी एक रेखा तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है व्यक्ति के जीवन में। चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, और यहाँ पर देखे तो एक त्रिकोण बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ये जब ट्रायंगल होता है तो इसके 2 मतलब होते हैं, या तो व्यक्ति कवि होता है या व्यक्ति विदेश यात्रा करके धन कमाता है। जब भी विदेश यात्रा करता है तब धन कमाता है, इस तरफ संकेत जाता है। और एक लाइन भी चल रही है यहाँ पर, दूसरी भी है, और एक जीवन रेखा से इस तरह से रेखा भी जा रही है। तो ऐसे लोगों को भी विदेश यात्रा के अवसर मिलते या यात्रा भरपूर करनी पड़ती है। पर इस तरह का चंद्र पर्वत 100% कभी न कभी व्यक्ति के जीवन में विदेश से संबंध लाता ही है, किसी न किसी मौके पर, चाहे तो खुद से या संतानों के द्वारा कोई ना कोई अवसर जरूर आता है, या घूमना फिरना किसी भी रूप में। और चंद्र पर्वत वाले बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें करने के शौकीन होते हैं, प्लस रिफाइंड सोच होती है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, और अच्छे परचेसर होते हैं। ये भी एक खासियत होती है इनमें। और इनके हाथ में देखे तो मनी ट्रायंगल भी है और साथ में ग्रेटर ट्रायंगल भी है। ये यहाँ पर लाइन दिख नहीं रही है पर ये कंप्लीट लाइन है, और इसके द्वारा बनने वाला मनी ट्रायंगल भी है। जब इस तरह का ट्रायंगल होता है और साथ में ग्रेटर ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति अच्छा खासा संपन्न बनता है और अच्छी खासी समृद्धि अपने जीवन में बुढ़ापे तक पा लेता है। अब चलते शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर भी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं है। ये रेखाएं सारी शुक्र रेखाएं है, ये सारी धन देती है, सारी रेखाएं। और साथ में लग्जरियस लाइफ भी देती है। तो जैसे ही व्यक्ति का समय अच्छा आता है वैसे इनका कला खिलनी चालू हो जाती है, लग्जरियस लाइफ जीते। और शुक्र पर्वत भी अच्छा है, अगर ये गुरु को बैलेंस कर दे तो दोनों मिलकर धन के मामले में अच्छे खासे समृद्ध बनेंगे। पर शुक्र अच्छा रहता है तो व्यक्ति रहता अच्छी तरह से, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, और इनको गर्मी पसंद नहीं आती। अब चलते इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा पर देखें तो एक शाखा जा रही है गुरु पर्वत की ओर, और यहाँ से एक शाखा निकली हृदय रेखा
ये कंप्लीट एंड तक, और यहाँ पर एक फ्लड लाइन भी है, तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है। अब ये लाइन व्यक्ति को दो तीन तरह के लाभ देती है, या तो सरकारी लाभ, या पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति मैनेजरियल पोस्ट पर, जो इस रेखा के बारे में बताया। तीसरी चौथी ऐड हो जाती है इसमें, ससुराल पैसे वाला होता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला बनता है। और ये रेखा अगर देखे, इनकी हृदय रेखा, तो कंप्लीट शनि पर्वत, ये दोनों के बीच का पार्ट, और ये शनि पर्वत से शुरू हो रही है और ये सीधी चल रही है। जब शनि पर्वत से शुरू होती है हृदय रेखा, तो इनके तीन ही गुण होते हैं। एक तो आँख खोलते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। दूसरी चीज रहती है कामुक भावना, और तीसरी कभी कभी फिजिकल बनते। और यहाँ पर देखें तो दोनों के बीच में गैप कम है, तो जीवन के निर्णय किसी न किसी को पूछ कर ये लेते होंगे, क्योंकि जब गैप कम होता है तो व्यक्ति किसी न किसी को पूछ कर अपने जीवन में निर्णय लेता है। और हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क है, यहाँ तक डार्क है, यानी उम्र के 65 साल तक ये कोई ना कोई झंझट मारियों से घिरे रहेंगे, अपनी जीवन को फ्रीली नहीं जी पाते, जिनकी डार्क कलर की हृदय रेखा रहती है, झंझटें चालू ही रहती है, पर फिर भी मैं कहूँगा अच्छी खासी हार्ट लाइन है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो पूरी गुरु पर्वत से ही शुरू हो रही है, कंप्लीट। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है, और चंद्र पर्वत की ओर झुकती है और बड़ी है तो बुद्धि चातुर्य भरपूर रहता है, और बुद्धि के बल पर व्यक्ति अच्छा खासा विकास करता है, अच्छा खासा। और चंद्र पर्वत की ओर झुकती है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ाती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये धार्मिक होते जाएंगे, और धार्मिकता की तो निशानी यहाँ पर गुरु वलय बना हुआ है, वो भी इंडिकेशन करता है। जब इस तरह की दो लाइनें होती है या एक लाइन भी रही, तो व्यक्ति को पामेस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस है उसके प्रति इंटरेस्ट दिलाती है, और ये धार्मिकता दिलाती है। और एक माइनस पॉइंट इनमें ज़रूर रहता है, बाहर वालों के लिए अच्छे होते पर घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करते हैं, बहुत ज़्यादा, ये एक माइनस पॉइंट इनको जीवन भर रहता है। अब इनकी जो जीवन रेखा है उस पर अगर चले, तो इन्होंने एक स्कैन भेजा था, वो हिसाब से लगभग 28-29 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, 31 के आसपास, मैं खाली मुंह से बता रहा हूँ, 29, 31, ये छोटी छोटी राहु रेखा है, 33, 35, 36, 39, 44, 45, 47 और 51, ये इतनी छोटी छोटी बारीक रेखाएं, बड़ी रेखाएं मिलाकर इतनी राहु रेखाएं इनके जीवन रेखा पर मुझे दिखी। अब इनके बड़े फोटोग्राफ को देखे, बड़े फोटोग्राफ के हिसाब से 28 के आसपास एक राहु रेखा है, एक 32 के आसपास है, एक 33 के आसपास है, एक 44 के आसपास है, और एक 3 साल के बाद 47 के आसपास है, और ये 4 साल के बाद और 51 के आसपास, इतनी राहु रेखा है बड़े के अंदर दिख रही है। और एक ऑफशूट इनके 37 के आसपास मिला इनको, और एक ऑफशूट 62 के आसपास इनके जीवन में है। अब इनकी धन रेखा को देखें तो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, तो लोगों का सहयोग मिलता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। अब इनके क्लोजअप की ओर नज़र घुमाते हैं फेट लाइन के लिए, और इनकी जो जीवन रेखा है वो कंप्लीट घुमाव ले रही है। जब घुमाव लेती है जीवन रेखा, तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक सोच वाला इंसान होता है, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से टच रखने की कोशिश करता है। अब इनकी फेट लाइन देखिए, यहाँ से चली और ये यहाँ आकर रुकी। जब माइंड लाइन पर कोई भी फेट लाइन रुकती है, तो व्यक्ति जीवन में एक बार परिवार को विदेश यात्रा पर जरूर लेकर जाता है।
एक बार मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी बार भी। और यहाँ से इनकी एक रेखा चालू हुई और ये सीधी बढ़कर आगे जा रही है, और यहाँ पर एक कट लगा। ये उम्र लगभग इस फेट लाइन को 28 के आसपास काट रही है, और इस फेट लाइन को ये 30-31 के आसपास काट रही है ये रेखा। और यहाँ से धुंधली धुंधली होते हुए ये आगे बढ़ी, और 36 के आसपास धीरे धीरे स्ट्रांग होते हुए आगे बढ़ रही है, और इसमें से एक शाखा और निकल रही है, और ये चलते चलते ऊपर की ओर जा रही है। और एक ये जो लाइन है, ये अगर हृदय रेखा से निकलती होगी तो इस पीरियड में कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा लगभग 44 के आसपास, या फिर कोई लॉस गया होगा, क्योंकि राहु रेखा स्ट्रांग दिख रही है तो 99% इस पीरियड में भारी लॉस का सामना किया होगा इन्होंने, क्योंकि बहुत बार ये हृदय रेखा से इस तरह से आती है, पता नहीं चलता कि व्यक्ति इन्वेस्टमेंट की रेखा है या लॉस की रेखा। पर इनकी राहु रेखा का जो इतना स्ट्रांग है ये रेखा, ये बहुत बड़ी स्ट्रांग रेखा ने काटा है 44 के आसपास, और ये पीरियड यहाँ पर भी शो हो रहा है, और इसके बाद ये सीधा आगे बढ़कर गुरु पर्वत की ओर जा रही है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये प्रोग्रेस करते जाएंगे। ये पीरियड निकलने के बाद कोई ज़्यादा टेंस वाली रेखा है नहीं, ये बहुत बड़ी रेखा थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। और इस रेखा के कारण यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो आने वाला समय है वो इनके लिए सुनहरा भी बनेगा। यहाँ प्रॉपर्टियाँ भी अच्छी खासी खरीदेंगे, ये चाहेंगे तो यहाँ 3 से 4 प्रॉपर्टियाँ खरीद पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है, और ये पीरियड इनका काफ़ी अच्छा जाएगा। पर इस रेखा ने इनको काफ़ी हिला के रखा होगा, काफ़ी। और यहाँ से ये सीधी चलकर धीरे 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 आगे बढ़ रही है, और यहाँ से एक शाखा और ऊपर की ओर जा रही है, और ये शाखा और। तो बुढ़ापा, जैसे जैसे बुढ़ापा आते जाएगा वैसे ये संपन्न बनते जाएंगे, और इनके हाथ में जो क्रॉस है उसका मैं उपाय दे दूंगा, तो काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा इनको। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।